तो वलसाड़ जाते जाते रास्ते में उसका घर आता है, तो उनको मेरे साथ ले लूंगा। अभी हम जाने अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रैफिक लगा, चक्का जाम हो चुका है। किस रास्ते जा रहे हैं? यहाँ पे हम जहाँ पे बाइक रखते हैं ना, वहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये पूजा पर ले लिया है। और गाइस यहाँ पे मतलब पंद्रहवीं शताब्दी में धर्मपुर के राजा का यहाँ पे मतलब उसके अंडर आता था। 1664 और 1670 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करा और पानेरा पर्वत से गुजरे। गाइस आज मतलब के चिखली में बहुत ही ट्रैफिक है, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है ना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप, कैसे हो आप लोग? आई नो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और गाइस आज है 6 सितंबर 2024 और अभी बजने वाले हैं 11। तो गाइस आज मेरी ऑफिस पे छुट्टी है, क्योंकि मतलब के कल गणपति का मतलब के स्थापन दिन है, इसलिए स्टूडेंट लोग आज नहीं आए, तो मैंने उन लोगों को छुट्टी दे दी और मेरी भी छुट्टी है आज। तो आज अभी मतलब के 11 बजने वाले हैं और मैं घर पे ही था, तो मैंने सोचा चलो कहीं पे घूम के आते हैं। तो अभी मैं अपनी राम प्यारी पर अकेला ही अभी निकल चुका हूँ। मैंने एक स्टूडेंट को कॉल किया है, तो वलसाड़ जाते जाते रास्ते में उसका घर आता है, तो उनको मेरे साथ ले लूँगा। और कहाँ पे जाते हैं वो जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अभी कंटिन्यू रहिए, हम जा अभी। आई नो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन अभी मैं वलसाड़ जा रहा हूँ, वलसाड़ के लिए निकल चुका हूँ। वलसाड़ से पहले एक हिल स्टेशन जैसा है और एक टेम्पल भी है, वहाँ पे जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखते ही मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी मैं रास्ता कवर कर रहा हूँ और मेरे जो एक स्टूडेंट है उसको उसके घर वहाँ से पिकअप करूँगा और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। तो अभी रास्ते का मज़ा लेते हैं गाइस। फाइनली अभी मैंने मेरे साथ मैं भी चेतन हूँ और ये भी चेतन है, तो इसको मैंने पिकअप कर लिया और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो जाते हैं और कहाँ पे जा रहे हो वो जाने के लिए आप सभी को वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप सभी लोग कंटिन्यू रहे, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। तो गाइस फाइनली अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं। ये रास्ता सीधा वलसाड़ जाता है, लेकिन हमें सीधा वलसाड़ नहीं जाना है। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पर आए हैं ऑयल डलवाने, पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक में। बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी मतलब के तो बारिश भी आने वाली है, देखते हैं हमारी ट्रिप कैसी रहती है। तो जाते हैं, रास्ता कवर करते हैं। तो गाइस अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी हम मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये मतलब कि ये जो हाईवे है वो सीधा मुंबई जाता है, तो हमें मुंबई नहीं जाना है, लेकिन इस हाईवे से हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। तो आप कंटिन्यू रहिए, आपको मज़ा आएगा। अभी हम जाने अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रैफिक लगा, चक्का जाम हो चुका है। तो कंटिन्यू रखते हैं अभी, पकड़ के रखना। अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक इतना है कि एक अंकल बोल गया कि यहाँ से घूम जाओ, ट्रैफिक क्लियर होने में 1-2 घंटा लग सकता है। तो हम बाइक यहाँ से रिटर्न रिवर्स करते हैं और यहाँ से बस करते हैं और जाते हैं। जैसे अभी 11:08 हम भी जाते हैं।
अबे ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक बहुत ही चक्का जाम है, लेकिन हम साइड में एक रास्ता है ना वहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ से बाइक रिवर्स लेने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हुआ है तो जाते हैं, रास्ते में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर ट्रक एकदम चक्का जाम हुआ है। तो गाइस अभी हम गुंडला आ चुके हैं, मतलब के जाने वाले हैं एक मतलब कि एक टेंपल पे, लेकिन ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मतलब के दूर दूर तक चक्का जाम है, अभी जाने में कितना टाइम लग जाएगा मालूम नहीं। और चेतन को भी दो बजे जाना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम वलसाड़ से सीधा निकल आएंगे, ऐसा भी करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो वो, हाँ दूर दूर तक एकदम चक्का जाम है। और मेरे प्यार भी क्या बोला अभी कीचड़ में मतलब क्या इतना ट्रैफिक और मतलब रास्ता का तो बात ही मत करो, इतना खराब रास्ता है अभी मॉनसून में ये मुंबई वाला हाईवे, ये क्या बोले अभी। और ये रास्ता अभी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। और ये देखो कितना ट्रैफिक है, हम भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, हम भी यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं, बोलेगा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जाते हैं अभी हम, ये रास्ते देखो, रास्ते मतलब के यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर वाले तो कैसे मशक कर करके निकल रहे हैं। और मतलब के यहाँ पे टू व्हीलर वाले का अच्छा कट मार के भी निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कीचड़ ऐसा कुछ बहुत है, मतलब के रास्ता इतना खराब है ना, और ट्रैफिक भी बहुत ही जाम है, मतलब कहाँ फंस गए हम लोग, किस रास्ते जा रहे हैं। इतना बेकार रास्ता है गाइस, फाइनली अभी ट्रैफिक क्लियर हो चुका है और जा रहा है अभी अपने डेस्टिनेशन पर, अपना डेस्टिनेशन पानेरा जा रहा है हम लोग। और मास्क लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेरे को धूल से एनर्जी होती है, तो वैसे यहाँ पे तो अभी बारिश है इसलिए थोड़ी धूल कम आती है, लेकिन फिर भी मैंने लगाया हुआ है मास्क। तो जाते हैं और रास्ते का मजा लेते हैं। ये है नेशनल हाईवे की हालत, बहुत ही बढ़िया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं, रास्ता अभी मतलब के नेशनल हाईवे कहने का लायक नहीं है, लेकिन अभी हमारा डेस्टिनेशन हम पहुंचने ही वाले हैं। और काफ़ी ट्रैफिक था तो हमने वो भी एंजॉय किया, लेकिन अभी बारिश का भी मौसम है और अपनी डेस्टिनेशन पे अभी आई थिंक 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आप कंटिन्यू रहिए और हम रास्ते का लुफ्ट उठाते हैं। फाइनली अभी हम आ गए हैं पानेरा और यहाँ पे भी रास्ते तो ठीक ठाक है देखो आप, लेकिन अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, तो चलिए जाते हैं। इस फाइनली अभी हम आ चुके हैं पानेरा और मेरे पैर एकदम ख़राब हो चुके हैं। गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं पानेरा और बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ पे पूरा भीग चुका है, ठीक है, आपको मालूम है कैसे रास्ते हम आए हैं इसलिए। तो गाइस अभी हमने नीचे से मतलब के पुंजाबा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ पे बाइक रखते हैं ना वहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये पुंजाबा ले लिया है। और पानेरा टेंपल पे
जाते हैं और वहाँ का व्यू हम आपको भी दिखाएंगे, मॉनसून वाला यहाँ पे कैसा व्यू दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी मॉनसून चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे माता जी के टेम्पल में जाते जाते आपको इस रास्ते के आसपास, मतलब कि ये पगठे चढ़ते चढ़ते आसपास आपको जंगल दिखाई देगा, पूरा जंगल है। और वैसे आसपास गांव भी है, लेकिन ये डूंगर के आसपास पूरा जंगल है। तो अभी मतलब कि ऊपर चढ़ते चढ़ते पगठिया पे जाते जाते थक चुके हैं, वैसे थकान होती ही है, 12 बजने वाले हैं। अच्छा है ऊपर, मतलब के सर क्या बोलेंगे उसको, शर्ट है अगर खुला होता तो, यहाँ पे बारिश भी आ रही होती। और ये पगठिए है वो भी पूरे भीग जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ऊपर छत है, जिससे हम बारिश से बच सकते हैं। गाइस फाइनली अभी धूप निकल चुकी है और यहाँ पे हम बैठे हैं, मतलब मैंने फ्रेश हो लिया, मेरे पैर बहुत ख़राब थे, गंदे थे, तो मैंने धो लिए यहाँ पे पानी में। तो यहाँ पे मतलब चारों ओर आपको जंगल ही देखने को मिलेगा, मतलब ये जो माउंटेन है ना इसके चारों ओर जंगल है, लेकिन आसपास गांव है। और ये अभी तीनों झगड़ा कर रहे हैं, अरे हमें देख के झगड़ा कर रहे हैं वो मालूम नहीं, लेकिन तीनों साथ में आ गए और घूर रहे हैं। ठीक है इनको भी घूरने दो, हम जाते हैं माता जी के दर्शन के लिए। और मतलब कि यहाँ पे सैड है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा है, गर्मी के सीजन में गर्मी कम लगती है और मानसून में बारिश कम लगती है, इसलिए ये सैड लगाया हुआ अच्छा है, टूरिस्ट के लिए एक अच्छा है मतलब कि। तो चलिए जाते हैं, अभी 5 मिनट लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वीडियो में तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में आ जाएगा। तो गाइस आई थिंक अभी हम पहुँच ही गए हैं। और एक मिनट, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो मतलब कि सीढ़ियाँ है ना वो 486 है, मतलब कि 486 यहाँ पे सीढ़ियाँ है। और हमें मतलब कि मंदिर पहुँचते फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चांदबीर बाबा की दरगाह होती है, जो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के एकता का लिए जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चांदबीर बाबा की दरगाह आती है, तो उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद माता जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए जाते। तो गाइस ये है चांदबीर बाबा की दरगाह, और ये है चांदबीर बाबा की दरगाह, जो हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक जाना जाता है। तो नमस्कार करते हैं और आगे चलते हैं। गाइस फाइनली अभी हमने अंबिका, चंडिका और नवदुर्गा माँ के दर्शन कर लिए और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए एकदम शांति से। यहाँ पे मतलब कि ऑफ मतलब कि चालू दिन में इतने पब्लिक टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए, अभी महाकाली माँ के दर्शन करने बाकी है। और यहाँ का भी एक इतिहास है, मैं आपको वो भी बताऊँगा पॉसिबल होगा तो। वैसे ज़्यादा हिस्ट्री मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को थोड़े थोड़े मालूम है होगा। और उसके साथ साथ यहाँ का व्यू आप देखिए, एकदम मतलब कि बढ़िया है। अभी मॉनसून है ना तो एकदम ग्रीनरी है। तो गाइस जहाँ पे मतलब 15वीं शताब्दी में धर्मपुर के राजा का यहाँ पे मतलब कि उसके अंदर आता था पानीराम, जो धर्मपुर है ना वो पहले रामनगर से जाना जाता था। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी में सूरत में महाराजा छत्रपति शिवाजी ने
सूरत को मतलब के जीत लिया था, उसके बाद यहाँ से रिटर्न जा रहे थे ना, तब मतलब के यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ, ऐसा मतलब के इतिहास में जाना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे शिवाजी ने अपना मतलब के सैनिक को, यहाँ पे रहते थे सैनिक लोग काफ़ी लोग, और उसके बाद यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से एक गुफा जैसी है, तो यहाँ के युद्ध के दौरान उसके बाद यहाँ पे एक गुफा में से शिवाजी ने अपनी घोड़ी मतलब के जो घोड़ी थी ना वो यहाँ से कुदाई थी। यहाँ पे एक रिवर भी है, पॉसिबल होगा तो वो भी हम आपको आपको दिखाएंगे। पानेरा पहाड़ी पर तीन मंदिर है, श्री महाकाली माता मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। दुर्ग की दक्षिण भाग में एक चट्टान है जिसमें बनी एक गुफा के भीतर श्री महाकाली माता की मूर्ति है। पहाड़ पर एक पुरातन मंदिर है जिसमें श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा और श्री शीतला माता की मूर्तियां है। इसके आगे एक हनुमान जी का मंदिर है, स्वयंभू रामेश्वर महादेव का मंदिर इसके समीप है। मान्यता है कि यहाँ श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा, श्री शीतला और श्री कालिका रहा करती थी, लेकिन श्री कालिका रुष्ट होकर गुफा में चली गई। हर अक्टूबर में नवरात्र में यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित करा जाता है। ये वही रास्ता है जहाँ से शिवाजी ने अपनी जो घोड़ी थी उसको यहाँ से कुदाया था, ऐसी मतलब के इतिहास है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ का नज़ारा भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस ये वही रास्ता है जहाँ से शिवाजी ने अपनी घोड़ी कुदाई थी, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये पार रिवर है, आई थिंक इसको पार करनी थी। तो उसके बाद शिवाजी और यहाँ की इमारत और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना वो बहुत ही पुराना है, आई थिंक 15 शताब्दी का मतलब के ये किला है। बहुत बड़ा किला नहीं है लेकिन यहाँ पे शिवाजी की जो सेना थी वो भी रहती थी, शिवाजी भी यहाँ पे आए थे। और इससे पहले 15वीं शताब्दी में यहाँ पे धर्मपुर के राजा का यहाँ पे राज था, मतलब उसके अंडर आता था। तो ऐसा इतिहास है, बहुत ही डिस्क्रिप्शन में आपको फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं वो वीडियो में बनाऊंगा, चलिए बनाऊंगा वो मतलब कि उसमें मेरा वॉइस ही आएगा, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। गाइस तो कुछ यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया है। और नवरात्रि के आठम के दिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो महाकाली का माँ है ना वो उनकी जो मूर्ति है ना वो थोड़ी गुफा में है तो उससे थोड़ी बाहर आ जाती है। काफ़ी सारे लोगों ने मतलब के जो विज्ञान है उन्होंने भी यहाँ पे आके सर्च किया, लेकिन वो भी नहीं जान सके कि कैसे ऐसा होता कैसे वो जान नहीं सके। तो ऐसा है यहाँ का इतिहास, डिटेल्स में आपको मैं वीडियो में दिखा दूँगा। और अभी यहाँ पे एकदम व्यू जोरदार है। इतिहास के मुताबिक 15वीं शताब्दी में धर्मपुर के नरेश के अधीन था। 15वीं शताब्दी में इसे पानेरा को दमन में कब्जा करे हुए पुर्तगालियों ने 1558 और 1568 में आक्रमण करके नष्ट कर दिया। 1664 और 1670 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करा और पानेरा पर्वत से गुजरे। 1696 में शिवाजी के सैन्य सरदार श्री मोरा पंडित ने इस हिल स्टेशन को अपने अधीन कर लिया और यहाँ पे एक सैनिक छावनी बनाई। 1780 तक मराठा साम्राज्य का पेशवा काल समाप्त हुआ और वडोदरा के गायकवाड़ सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया। पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय ने इस पर आक्रमण करा और 7 दिनों तक लड़ाई चली, जिसका वर्णन पानेरानी लोल नामक गरबा में करा जाता है। फिर ब्रिटिश राज काल में इस पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम में इसे नष्ट कर दिया गया। उसके अवशेष पहाड़ पर मिलते हैं। यहाँ 3 कुएं हैं जिनका प्रयोग सैनिकों करा करते थे। पर्वत में कभी 150 टोपे हुआ करते, लेकिन अब केवल 3 ही है। पानेरा पहाड़ी पर 3 मंदिर है, श्री महाकाली माता मंदिर,
पहाड़ी की चोट पर स्थित है। दुर्ग की दक्षिण भाग में एक चट्टान है जिसमें बनी एक गुफा के भीतर श्री महाकाली माता की मूर्ति है। पहाड़ पर एक पुरातन मंदिर है। तो गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए, यहाँ पे एंजॉय कर लिया, अभी हम वापस जाने वाले हैं और यहाँ पे थोड़ा रिनोवेशन किया हुआ है तो इसलिए ऊपर का मतलब के अच्छा लग रहा है। पहले मतलब के काफ़ी टाइम पहले मैं आया था ना तब ऐसा नहीं किया था। वैसे अभी लास्ट टाइम भी आई थिंक नवरात्रि में आया था तब तो था, लेकिन तभी मैंने वीडियो रात को आया था, वीडियो शूट नहीं किया। तो आज दिन में आया हूँ इसलिए अभी ऐसा यहाँ पे बना लिया। अच्छा है तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया है, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो चलिए, और ये है माँ अंबिका चंडिका नवदुर्गा का मंदिर टेम्पल। तो गाइस ये है पानेरा, देख सकते हैं आप, मतलब कि वलसाड़ में ही लगता है, पूरा बिल्डिंगों से भरा हुआ। पहले तो यहाँ पे बिल्डिंग होती ही नहीं थी, लेकिन अभी क्या है ना, अभी सभी बिल्डिंग आ गए हैं, कच्चे मकान टूट गए, पक्के आ गए, परिवर्तन होता रहता है। और ये पूरा किला ही है जो रिनोवेशन करके बनाया हुआ है, इसलिए बढ़िया लग रहा है। ये है जब जब 15वीं 16वीं शताब्दी के युद्ध के लिए ऐसी टोपे यूज़ की जाती थी, लेकिन अभी तो ये तीन ही है, आई थिंक ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे वलसाड़ में जो NDRF का जो ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे बाकी की रखी गई है। तो ये है टोप जो मतलब के यूज़ की जाती थी युद्ध के लिए, आपने देखा ही होगा अगर आप घूमने के लिए कहीं मतलब के ऐसे ऐतिहासिक प्लेस पे गए हो तो आपको आपने देखा ही होगा। यहाँ पे एक टोप भी थी, मतलब कि ये तो सिर्फ टोपों का वो गोला रखने का है, लेकिन उसके साथ दो पहिया वाला भी आता है, वो अभी नहीं है। और यहाँ से अभी निकल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे शिव जी का टेंपल भी आता है तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं और आगे निकलते हैं। और चेतन को कैसा मजा आया, मैं इसको ऑन द स्पॉट बुला लेता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो फ्री होता है तो आता है, वरना नहीं आता है। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे स्वयंभू रामेश्वर महादेव है उसके भी हमने दर्शन के लिए, मैंने वीडियो नहीं शूट किया, अलाउ नहीं है, कोई पानी पी लेते हैं थोड़ा, तो दर्शन कर लिए और अभी हम सीधा निकल, अभी आई थिंक 1:30 बज चुका है और यहाँ से निकलने वाले हैं अभी, तो आई थिंक घर पहुँचते पहुँचते 2 बज ही जाएंगे। उसके बाद मिन्स का कॉल आया है तो वहाँ पे भी जाने वाले हैं, अभी रिटर्न जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से नीचे उतरते उतरते सीढ़ियाँ मतलब के उतरते उतरते आई थिंक 2 बज ही जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जाते हैं और क्या करते हैं आगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। फाइनली अभी 2 बजने वाले हैं और हम माता जी के दर्शन करके नीचे आ गए हैं और अभी निकलने वाले हैं। तो जाते हैं, चेतन को घर पे मतलब के ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद इसको भी जाना है वलसाड़, कुछ काम है इसलिए। तो जल्दी जाते हैं और जल्दी यानी कि सेफ जाते हैं। और आगे मीन्स का कॉल आया था तो वो बुला रहा है, तो घर पे कितने बजे पहुंचता हूँ उसके बाद क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो कंटिन्यू रहिए आप लोग। तो गाइस फाइनली अभी मैंने चेतन को इसके घर ड्रॉप कर दिया है और आई थिंक 2:30 बजने वाले हैं। और यहाँ से मैं मीन्स का कॉल आया था तो वो चिखली आया है, तो चिखली मेरे को जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, मेरे को मतलब कि हेयर कट करवाने है और शेविंग करवानी है, तो वहाँ पे भी जाने वाला हूँ, अगर जाऊँगा तो कंटिन्यू रहूँगा व्लॉग में। फाइनली अभी 5 बजने वाले हैं और मैं मतलब कि पानीरा से निकल के घर 10 मिनट के लिए गया था, फिर मैं चिखली चलाया शेविंग और हेयर कट करवाने के लिए। तो मीन्स भी यहाँ पे आया था तो उसका तो मतलब कि कब से हो चुका है, और वो चिखली में कोई उसका फ्रेंड मिलने आया था, मिलने के लिए आया था तो वहाँ पे गया है,
तो अभी उसका कॉल आया है तो उनसे मिलते हैं और बाद में घर जाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए। तो गाइस आज मतलब के चिखली में बहुत ही ट्रैफिक है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए। तो गाइस फाइनली अभी मींस मिल चुका है। ये देखो बंदा आज तो हैंडसम हैंडसम दिख रहा है भाई। ओके तो चलिए। क्या मैंने भी करवा लिया। तो चलिए अभी निकलने वाला हूँ मैं भी। आज ट्रैफिक बहुत है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो।